सेजवान चटनी का यूज़ बहुत सारे डिश में किया जाता है। वैसे तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रखकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड जोन। सेजवान चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम सूखी हुई लाल मिर्च ली है। मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, ज़्यादा तीखी वाली मिर्च ना ले, नहीं तो चटनी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब बीच में इसे तोड़कर इसके सारे बीज को निकाल देंगे, क्योंकि अगर बीज रहेगी तो ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी। बस 2-4 मिर्च के ही बीज को रहने दें और बाकी सारे बीज निकाल दें। अब इन सारे मिर्च को हम पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि मिर्च अच्छी तरह से फूल जाए और जब हम इसे पीसेंगे तो इसका अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो। इसे अच्छी तरह से पानी में इस तरह से डुबो दें और ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए साइड रख दें। देख सकते हैं 1 घंटे के बाद मिर्च अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि इसमें हाथ का यूज़ ना करें, क्योंकि मिर्च बहुत तीखी होती है और यदि आप हाथ से इसे टच करेंगे, बाद में यदि गलती से आपने अपने स्किन को टच कर लिया या आँख को टच किया तो जलन होने लगेगी। अब हमने मिर्च में थोड़ी सी पानी ले ली है और उसे हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट में मिर्च अच्छी तरह से उबल जाएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब इस गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी सी ठंडी होने देंगे। तब तक हम अदरक के 1 टुकड़ा और लहसुन की 10-12 कली को बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। देख सकते हैं बहुत बारीक काटनी है। मिर्च अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे मिर्च को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है ताकि जब चटनी बनकर तैयार हो तो इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट वाली सेजवान चटनी जैसा है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से पीसनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा है, मीडियम में है। एक पैन में हमने 8 से 10 चम्मच रिफाइंड तेल ले लिया है। ध्यान रहे सरसों का तेल नहीं लेना है। अब हमने जो बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक थी उसे डालकर हल्का सा फ्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, आँच को यहाँ पर स्लो ही रखें। सिर्फ इतना सा फ्राई करना है कि उसका कच्चापन चला जाए, ना कि कलर चेंज हो। देख सकते हैं कलर एज इट इज़ है। इसे स्लो आँच पर 1 मिनट के लिए ही भुननी है। अब हमने जो मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार रखा है उसे इसमें डाल देंगे। अब इसे मीडियम टू लो आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से ना सूख जाए। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहनी है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। घर पर बनी हुई सेजवान चटनी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनकर तैयार होती है। बस इसे बनाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रहे कि मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेजवान चटनी बहुत ज़्यादा तीखी बनकर तैयार होती है, मार्केट वाला टेस्ट फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रहे कि आप हल्की तीखी वाली मिर्च लें। यदि आपको कम तीखी वाली मिर्च नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पे आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत कम तीखी होती है। देख सकते हैं मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें से तेल भी बाहर आ गई है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस और तकरीबन 4 से 5 चम्मच टोमेटो सॉस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें चटनी के टेस्ट को बढ़ाने का काम करती हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि ये जो हमने डाला है ये सारी चीज़ें मिर्च के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें हम हरी धनिया की जो डंडी होती है ना उसे डालनी है, जो जड़ के पास होती है वो वाली लेनी है और 1/2 चम्मच ऑरिगेनो मिक्स लेनी है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लें। ये दोनों चीज़ें भी बहुत कंपलसरी है, इससे भी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल मार्केट वाली टेस्ट आती है। इसे लगातार भून लें। ध्यान रहे कि इसमें अभी पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए और मिर्च और सारे जो मसाले हमने डाले वो अच्छी तरह से भुन जाए। इसे भुनने में 2 से 3 मिनट लगेंगी। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस ये जो पूरी तरह से गाढ़ी हो गई है इसे हल्का सा लूज़ करना है। देख सकते हैं तकरीबन 1 कप के बराबर हमने इसमें पानी लिया, बहुत ज़्यादा ना ले। सेजवान चटनी बनकर तैयार है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा आया है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। एक बार आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर से ट्राई करें।
आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसे बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे फ्राइड राइस बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, चिकन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, चिकन चिली वगैरह बना रहे उसमें यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी का यूज़ करके आप किसी भी डिश के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।